है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भेड़िया और शक्ति की कॉमिक्स आई मुसीबत का दूसरा भाग जिंदा पत्थर। चलिए शुरू करते हैं। पेट है तो भूख है, शिकारी है, मोरा है तो शेरनी है, शेरनी है तो भाला है, भाला है तो भेड़िया है, भेड़िया है तो मुसीबत है, मुसीबत है तो शक्ति है, शक्ति है तो पुरुष घायल है, घायल है तो फूजो भाभा है, फूजो है तो इतिहास है, और इतिहास है जमीन के नीचे गुफाएं बनाकर रहने वाले सिम्हा कबीले के खूंखार जंगलियों का, जिनका उल्टा हाथ शेर के पंजे के समान होता है, जिसमें बला की शक्ति होती है। यह बहुत ही निर्भीक वे कुशल शिकारी होते हैं। रात्रि चर होने के कारण इनको दिन से कोई मतलब नहीं होता। रात्रि में कभी भी किसी भी समय ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, और वो समय जंगली जानवरों के लिए कयामत का समय होता है। तब सिंहों की जान पर भी बनाती है, क्योंकि इन्हें भोजन में सिंहों का मांस सर्वाधिक प्रिय है। इनमें से एक और काली शक्ति भी होती है, किसी भी जीव को पत्थर का बना देने की शक्ति। कबीले का सरदार चुनने के लिए महाबलियों में प्रतिवर्ष खूनी प्रतियोगिताएं होती है। आखिरी प्रतियोगिता होती है दो महाबलियों के बीच, जो पंजा युद्ध के नाम से जानी जाती है, यानी अपने प्रतिद्वंद्वी का पंजा तोड़ने वाला कबीले का सरदार बनाया जाता है। सरदार से विवाह के लिए युवतियों में भी होड़ रहती है। सरदार का हाथ उसे मिलता है जो अकेली सिंह का शिकार करके लाती है, मगर भेड़िया के कारण असफल हो गई थी सरदार कंटा की प्रेमिका मूरा। और तब अब मेरा एक ही उद्देश्य है, भेड़िया की तबाही। इधर सरदार कंटा भी सौगंध लेता है कि भेड़िया को बनाकर ही रहेगा। जिंदा पत्थर, संजय गुप्ता की पेशकश। हाँ मूरा हाँ, भेड़िया ने हमारे अरमानों को चूर चूर किया है। उसका बदला उसकी मौत से ही पूरा किया जाएगा। महाबली सरदार कंटा और मूरा के रूप में मुसीबत भेड़िया के जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। नोट: उपरोक्त कथानक को विस्तार से जानने के लिए भेड़िया का सनसनाता हुआ पूर्व प्रकाशित कॉमिक आई मुसीबत पढ़ना ना भूले। विशाल जंगल में स्थित भेड़िया के किले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था कलात्मक वस्तुओं का वह शोरूम, कलात्मक, जहां आकर खरीदारी करने वालों में मुख्यतः टूरिस्ट ही होते थे, या फिर जंगल में रहने वाले कला के पारखी लोग जैसे जेन, जो जंगल का ऊबड़ खाबड़ रास्ता घोड़े द्वारा तय करके वहां खड़ी अपनी जीप तक पहुंची थी। इससे आगे का 10 किलोमीटर का सफर मुझे जीप पर तय करना होगा। जल्दी ही वाओ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर मूर्ति है, डू नॉट टच का लेबल लगा होने के बाद भी जेन खुद को उसे छूने से रोक ना पाई। कितनी आकर्षक, जीवंत सी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल उठेगी। इसे तो भेड़िया के किले में होना चाहिए। मैडम प्लीज डोंट टच इट। ओ सॉरी, दरअसल ये बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे ये मूर्ति जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? शायद मेरा वहम होगा। सुनिए, ये मूर्ति कितने की है? लेकिन दूसरे ही पल जेन के चेहरे पर निराशा की स्याही पुत गई। $25,000 क्या? जेन बड़बड़ाती हुई वापस लौटी भेड़िया के पास। मैं तो उस मूर्ति को तुम्हें भेंट में देने की सोच रही थी भेड़िया, जो कि मेरे किसी काम की नहीं। हाँ जेन, किले की दर और दीवारों को सुंदर नजर आने के लिए इन पत्थर की मूर्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी जिंदा मूरत है जिसके आगे उन सब नहीं तुम। सचमुच मैं गलत जगह चली गई थी, जेन भेड़िया की बात सुनकर केवल मुस्कुराकर रह गई थी, मगर उन होठों का मुस्कुराने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, जिनमें भरी थी घृणा और नफरत, जिसके चेहरे पर चारों ओर थी सिर्फ और सिर्फ विभत्सता, और हाथ में वो हथियार जिसे वो भेड़िया का निशाना बनाकर उछाल चुका था। निशाना निसंदेह अचूकता, उफ वह जिस बीच में ना आता तो जान भेड़िया की ही जानी थी। हो
ये वार किसी ने मुझ पर किया था जेन, यह मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया है। हो गोड, कौन है वो हत्यारा? सुर्ख हो उठे भेड़िया के नेत्र। वो जा रहा है, तुम इसके जख्म को देखो जेन, और मैं उस हत्यारे को देखता हूँ जो किसी भी सूरत में अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भेड़िया की बाजू फंदे की तरह उसकी गर्दन पर कस गई थी, मगर दूसरे ही पल कर उसे अपनी बाजू वहां से हटा लेनी पड़ी। ओहो, इसके पंजे को देखते ही भेड़िया बे इंतहा चौंक पड़ा। ओहो, ये तो सिम्हा कबीले का जंगली है, इस मुझ पर आक्रमण क्यों किया? चीते की सी फुर्ती के साथ सिम्हा जंगली भेड़िया पर झपटा। यह अपने खूंखार और शक्तिशाली पंजे से मेरा पेट फाड़ डालने के चक्कर में है। मुझे इसके पंजे के प्रहारों से बचना होगा, क्योंकि इनमें हाथियों का भी पेट फाड़ डालने की क्षमता है। भेड़ियों की टोकर ने सिम्हा जंगली को बिना आकाश के ही तारे दिखा दिए। थर्ड, मगर जबरदस्त फुर्तीला निकला लड़ाका। उसने भेड़िया की टांग दबोच ली और अपने सुई जैसे पहने हुए नुकीले दांत भेड़िया के मांस में धसा दिए। पिंच, उफ, भेड़िया ने पूंछ के सशक्त हंटरी वार से जंगली को जंगल की जमीन सुखा दी। तड़ाक, आह, भेड़िया ने पलक झपकते ही उसे अपनी पूंछ में जकड़ दिया और दे जमीन पर दे मारा। धाड़ धाड़, ओह, जंगली चीखे उगल बैठा। इस बार भेड़िया ने उसे पटकने के साथ ही अपनी पूंछ वापस खींच ली और आगे बढ़कर तोड़ डाला उसका पंजा। आह, पर भेड़िया को जंगली का दम निकलने से पहले उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह था सिम्हा कबीले का कुख्यात जंगली। खूंखार, बेरहम, जालिम, शक्तिशाली नरसंस, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि ये अपने शत्रुओं को पत्थर का बना देते हैं, मगर कैसे, आइए देखें। अरे, इसने इस थैली का मुंह खोल दिया है। ओह, उसमें से ये तो कोई चमगादड़ निकल रही है। चमगादड़, निशाचर जंगलियों की निशाचर साथी, मनहूस, रक्त पिपासु। ओहो, चमगादड़ तो भेड़िया पर टूट पड़ी है। अरे, ये चमगादड़ कहाँ से आ गई? उस खूनी चमगादड़ का शिकार उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भेड़िया ही था। ओ नहीं, और वो उसका शिकार हो भी गया। इसी के साथ बुरी तरह से चकरा गया उसका मस्तिष्क। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? चमगादड़ के विष से मेरा मस्तिष्क झनझना उठा है। मेरी टांगे बुरी तरह से कांप रही है, पूरे जिस्म में झाई झाई सी हो रही है। उफ उफ, बुरी तरह से चकराकर गिर पड़ा भेड़िया। अपनी इच्छा से एक उंगली तक भी वह नहीं हिला पा रहा था। एकदम बेजान हो गया था उसका जिस्म, जैसे एक लाश। इसे देखकर सिम्हा जंगली के पूरे चेहरे पर शैतानी अट्टहास कर चुकी थी। न जाने अब वो जंगली भेड़िया के शरीर पर क्या छिड़कने जा रहा था कि तभी एक तरफ से उठे शोर ने उसकी कार्यप्रणाली में व्यवधान खड़ा कर दिया। वो रहा भेड़िया, वो जंगली भी वही है, पकड़ो उसे। भीड़ को अपनी ओर बढ़ते देख सिम्हा जंगली उस चमगादड़ को दबोच कर वहां से भाग निकला। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? मगर भेड़िया जवाब कैसे दे? जंगली खाली हाथ ही वापस लौटे। वो भाग गया जेन। सरदार गुंजाला, मेरी मदद करो, न जाने भेड़िया को क्या हो गया है। इसे उठाकर फूजो बाबा के पास ले चलो, जल्दी ही। इसका पूरा शरीर बेजान सा हो गया, के निशान बता रहे हैं कि इसे किसी उड़ने वाले जीव ने काटा है। मैंने उस जंगली के आसपास एक चमगादड़ उड़ती देखी थी। चमगादड़, जंगली? हो, फिर तो वो जरूर सिम्हा जंगली रहा होगा। वो जरूर उस चमगादड़ से भेड़िया को कटवा कर पत्थर का बनाने वाला होगा, मगर ऐन वक्त पर तुम्हारे पहुंच जाने से वो अपना काम अधूरा ही छोड़कर भाग गया। अब जबकि मुझे इसका मर्ज पता चल गया है, मैं इसे दवा देता हूँ। फूजो की दवा का भेड़िया पर चमत्कारी असर हुआ। ओह, शुक्र है भेड़िया कि तुम ठीक हो गए। भेड़िया देवता जिंदाबाद। बाबा, मुझ पर सिम्हा जंगली और उसके चमगादड़ ने हमला किया था, अब मैं उनका उत्पात खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें जमीन से खोद निकालूंगा। उनकी गुफाओं को खोज निकालना मुश्किल है। मूरा के बाद ये जंगली भी तो आखिर कहीं से निकला ही होगा। मैं उन गड्ढों को अपने भेड़ियों की मदद से खोजने की कोशिश तो कर सकता हूँ फूजा बाबा,
जरूर कर सकते हो भेड़िया, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सरदार गुजाला भी तुम्हारे साथ है भेड़िया। जंगल की धरती पर नदियों में चट्टानी दरारों में खोज शुरू हो गई उन गड्ढों की जहाँ से मूरा या वो जंगली निकले हो सकते थे। भेड़िया व जैन खुद भी ऐसे गड्ढों की खोज में थे, ये तो खरगोश की मांद है। अचानक तेज सोर ने भेड़िया का ध्यान भंग किया। भेड़िया भेड़िया, ओह ये तो सरदार रमैया है। भेड़िया पूरा जंगल छान मारा मगर मेरी बेटी रिन का कहीं पता नहीं चल रहा। वह नदी पर स्नान के लिए गई थी भेड़िया, अब केवल तुम ही उसका पता लगा सकते हो। रिन, ओहो, सरदार रमैया की चीखें अभी शांत भी ना हुई थी कि भेड़िया मेरा बेटा कुंगा मछली पकड़ते पकड़ते अचानक गायब हो गया। कहाँ गया होगा वो? भेड़िया अभी गायब होते कबीले वासियों को रहस्यों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी जंगल गूंज उठा सिंगों की मर्मांतक गुर्राटों से। ये तो हताहत होते सिंगों की दाढ़े हैं जैन। सिम्हा जंगली जब भी बाहर आते हैं तो सबसे ज्यादा कहर सिंगों पर ही ढाते हैं। दहाड़े उस ओर से आ रही हैं भेड़िया। वहां पहुंचकर खून खोल उठा भेड़िया का। ओहो ये तो वही शेरनी है जिसे मैंने मूरा के हाथों से बचाया था। किसी ने इसे इसके बच्चों सहित नृशंसतापूर्वक समाप्त कर डाला है और ऐसे भाले सिर्फ और सिर्फ सिम्हा जंगलियों के पास ही होते हैं। यानी कि सिम्हा जंगली अपनी गुफाओं से बाहर उत्पात व आतंक मचाने लगे हैं। मुझे जंगल में फैले अपने भेड़िया अनुयायियों को सावधान करना होगा। उफ उफ, वे दो खूंखार निगाहें घूर रही थी भेड़िया को। इसी शेरनी को ही मारने से रोका था भेड़िया ने मुझे। इसकी मौत से कैसे तड़प रहा है भेड़िया। आज इसे इसके बच्चों सहित खत्म करके मैंने भेड़िया को जबरदस्त पीड़ा दी है और अब मैं भेड़िया को जो तोहफा देने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होगा। बड़ी तेजी के साथ जैन से आकर टकराया वो चमगादड़। आ भेड़िया, ची ची जैन। उफ ये तो वही चमगादड़ है, इसे किसने उड़ाया? जैन का जिस्म सुन होने लगा है और चमगादड़ अब मेरी ओर आ रही है। हाँ, चमगादड़ तेजी से भेड़िया के निकट पहुंची और भेड़िया के हाथ में थमी मोटी सांख चमगादड़ के, मगर भेड़िया का वह प्रहार चमगादड़ को छू ना पाया। भयानक अट्टहास कर उठे मूरा व कंटा। भेड़िया अब तेरा इन चमगादड़ों से बचना मुश्किल है, ची ची। ओहो तो यह हरकत तुम्हारी थी? हाँ भेड़िया, अब मैं कंटा के साथ वापस लौटी हूं और तुझे तेरे मित्रों सहित पत्थर का बनाकर ही जाऊंगी। बच भेड़िया बच, क्योंकि तू नहीं बच पाया तो अपनी इस साथिन को पत्थर का बनने से कैसे बचाएगा? दुर्दांत सा नजर आने लगा तब भेड़िया। जैन की जिंदगी खतरे में है, ची 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 फच। दोनों चमगादड़ों को खत्म करके वह पलटा तो मूरा व कंटा को वहां से गायब पाया। उसके चेहरे पर खून उतर आया था। दोनों चमगादड़ों को खत्म करके वह पलटा तो मूरा व कंटा को वहां से गायब पाया। इस समय इन दोनों की तलाश से ज्यादा जरूरी है जैन की जिंदगी की रक्षा। जैन को उठाकर दौड़ पड़ा भेड़िया। तुम्हें कुछ हो गया तो सिम्हा कबीले का नाम व निशान ढूंढे ना मिलेगा। और तब जैन को सही समय पर ले आए भेड़िया, वरना इसके जिस्म पर छिड़का द्रव सख्त होकर पत्थर में बदल जाता। सिर्फ आधे घंटे बाद ही, हाँ भेड़िया तुम ठीक तो हो ना जैन? तब भेड़िया ने उसे बताया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत से निकली है। और तब कुछ सोचते सोचते अचानक जैन कह उठी, भेड़िया मैं एक बार फिर कलात्मक में जाना चाहती हूँ और इस बार तुम मुझे वहां ले जाओगे। इस वक्त मुझे सिर्फ मूरा व कंटा की ही तलाश है जैन, और इस काम के अलावा मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा भी दिमाग उन्हीं दोनों में उलझा हुआ है भेड़िया, शायद मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकूं। तुम मुझे फौरन वहां लेकर चलो। इस बार भेड़िया इनकार नहीं कर सका था। जंगल से बाहर जाने के लिए भेड़िया को अपना हुलिया थोड़ा बदलना पड़ा। मगर आखिर तुम वहां दोबारा क्यों जाना चाहती हो? यह मैं तुम्हें वहीं पहुंचकर ही बताऊंगी। तब मैं अपनी जिज्ञासा शांत करके लौटती हूँ भेड़िया, और तुम मुझ पर
नजर रखना। जल्दी ही इस मूर्ति को लोहे की कील से खुरचने पर खून निकल आया। ओह गोड़, तो ये बात है। बस इससे ज्यादा वो कुछ ना सोच पाई, क्योंकि उस शक्तिशाली चोट ने उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया था। आह, जेन पर प्रहार करने वाला वह हाथ था मूरा का। एक बार तो तू बच गई, मगर अब नहीं बचेगी। और वहां खड़े भेड़िया की आंखों ने जो दृश्य देखा, उसे देखने के बाद भेड़िया के लिए अब वहां जाना जरूरी हो चुका था। मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। जेन पर प्रहार करवाने वाली मूरा ही थी, मगर आखिर जेन यहाँ पर क्यों आई थी? इसका मतलब उसे कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसका संबंध सिम्हा जंगलियों से था। कलात्मक के प्रवेश द्वार पर ही ठिठक गए भेड़िया के कदम। हो, ये क्या, इस मूर्ति के सीने से खून कैसे बह रहा है? इसे यहां से जेन ने ही खुर्चा था। और इस मूर्ति की शक्ल तो सरदार रमैया की बेटी रीन से मिलती है। इसके साथ खड़ी मूर्ति भी तो उसी सिम्हा जंगली की है जिसका मैंने हाथ तोड़ दिया था और जिसने मुझे पत्थर का बना देने का प्रयास किया था। भेड़िया एक एक कर तोड़ता चला गया उन मूर्तियों को। ओह, पत्थर की परतों के नीचे रिन और उस शिमला सिम्हा जंगली की लाशें हैं। ओह, तो जेन को इन मूर्तियों पर ही शक हुआ होगा। जरूर इन्होंने कुंगा की भी मूर्ति बना दी होगी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि इस जगह का मूरा और सिम्हा जंगलियों से भी संबंध है। कहीं यहां से कोई रास्ता उनकी गुफाओं तक तो नहीं जाता? भेड़िया अंदर आ गया। यहां तो कोई नजर नहीं आ। उफ, ये क्या, भेड़िया का भार वह कालीन बिल्कुल भी नहीं संभाल पाया था और उसके नीचे बने गड्ढे में घुसता चला गया था। गड्ढे के मुहाने पर होठों पर शैतानी हंसी लिए नजर आए सरदार कंटा और मूरा। अब मैं भेड़िया को पत्थर का बनाऊंगा मूरा, उसके बाद इसकी प्रेयसी जैन को भी पत्थर का बनाया जाएगा। गड्ढे में तुरंत ही उठकर खड़ा हो चुका था भेड़िया। शैतान कंटा, तुम दोनों की मौत निकट है, खिलखिलाकर हंसी मूरा। हा हा हा, अब तुम्हारा सारा क्रोध पत्थर की परतों के नीचे दम तोड़ देगा। इससे पहले कि भेड़िया अपनी पूंछ का प्रयोग उस गड्ढे से बाहर आने में कर सकता, ओहो, फिर वही खूनी चमगादड़ जिनकी चम शक्ति से जीव बेजान हो जाता है। एक चमगादड़ के होश तो भेड़िया ने ठिकाने लगा दिए, मगर शेष दो फुर्ती वह उड़ान का वो क्या करता? ओह नहीं, निडाल होकर गिर पड़ा भेड़िया। इस बार तुझे बचाने कोई नहीं आएगा भेड़िया, हम तुझे ले जाएंगे अपने कबीले में। इस बार तू बनकर ही रहेगा जिंदा पत्थर। इधर कबीले में होश में आते ही जेन चीख पड़ी, नहीं। जो कुछ देखा उसे देखकर उठकर उस ओर दौड़ पड़ी वह। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पकड़ो उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। हा हा हा, इसकी ये तड़प मुझे कितना सुकून दे रही है। डालो और घोल डालो भेड़िया पर, आज हम इसे पत्थर में बदले देखना चाहते हैं। भेड़िया सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, मगर कुछ भी कर पाने में विवश था। ना जाने कैसा घोल था जो शरीर पर पड़ने के बाद वायु संपर्क से फौरन सूख कर पत्थर की शक्ल लेने लगता था। भेड़िया का जिस्म भी लेने लगा पत्थर की शक्ल। शेरनी सी गुर्राहट इस बार जंगलियों की पकड़ से छूट निकली। जैन, अपने जीते जी तुम्हें पत्थर का नहीं बनने देगी। जैन, ये भाला इसके कदमों को अवश्य रोक देगा ना मूरा। हा हा हा, जैन को कोई कवच ना मिल पाया, क्योंकि उसका कवच भेड़िया तो खुद मौत की दहलीज पर खड़ा था। नहीं, उफ, जैन ये तुमने क्या किया? काश सरदार कंटा भाला फेंकते वक्त समझ जाता कि उसकी वह खूनी हरकत उसे नेस्तानबूत कर देने वाली हो सकती है, क्योंकि ना वह जैन पर भाला फेंकता, ना भाला उसे लगता, ना उसके कंठ से उबलती वह चीख आ, और ना उस चीख को सुनकर क्रोध के वाहन पर सवार वहां आ पहुंचती शक्ति। ओह शक्ति, ये तो शक्ति है, ये यहां पर कैसे आ गई? घबराओ मत, निर्भय हो जाओ, क्योंकि नारी शक्ति का एहसास इस दरिंदे को कराने के लिए आ गई है शक्ति। ओह शक्ति, ये तो शक्ति है। शक्ति को देखकर ही दहल गई थी मूरा तो। सरदार कंटा के लिए
यह बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। वह क्रोध से आग बबूला होकर चीख पड़ा, खत्म कर दो इसे। शक्ति के हाथ में प्रकट हो गए खड़क की ताकत से ज्यादा नहीं थी उन भालों की फुर्ती व ताकत। खूंखार सिम्हा कबीले के जंगलियों के पास अभी एक चीज और थी जो कि बेहद घातक थी, बेहद खतरनाक थी, उनके पंजे। फाड़ डालो इसे, हाँ हाँ हाँ। और तब अचानक सुलग उठे शक्ति के नेत्र, मानो उसके मस्तक पर सूर्योदय हो उठा हो। पृथ्वी पर हुआ सूर्योदय संदेश देता है, मगर शक्ति के मस्तक पर हुआ यह सूर्योदय दरिंदों व शैतानों को उनके पाप व दुष्कर्मों की आग में झुलसा डालने के लिए होता है। शक्ति के त्रिशूल ने तोड़ डाले भेड़िया के बंधन और उसे धकेल दिया उस चट्टान पर, जिससे टकराकर चितरा गई उस पर मजबूत होती पत्थर की परत। तड़ाक! और शक्ति के ताप से सूख गया था भेड़िया के शरीर में दौड़ता चमगादड़ का विष। जंगलियों में त्राही त्राही मच गई, क्षमा देवी क्षमा, मगर मूरा को हरगिज क्षमा नहीं कर सकती थी शक्ति। इस पंजे की शक्ति ने तुम्हें उद्दंड बना दिया है और बदले की भावना ने बहसी। आज के बाद इस पंजे का इस्तेमाल तुम कभी नहीं कर पाओगी, आहा, क्योंकि आज मैं इसकी शक्ति को पंगु कर जाऊंगी, आह। जबकि इधर भेड़िया उठकर खड़ा हुआ, एक ही छलांग में वह पहुंचा सरदार कंटा के निकट। भेड़िया के जंगल में घुसकर तूने भेड़िया के कानून को भंग किया है कंटा, तेरा पंजा भेड़िया तोड़ेगा। भेड़िया ने सरदार कंटा को पटका, धाड़! इसी बाजू के बल पर ही तूने सरदार का पद पाया था ना कंटा, मैं इसे ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उन मासूम शेर साहब को और शेरनी के शव अभी भी घूम रहे हैं। भेड़िया अलग करके ही माना उसकी कलाई को, आज से ये कबीला भी भेड़िया की सुरक्षा में रहेगा। मूरा, तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, भयभीत हिरनी सी खड़ी थी मूरा। इधर शक्ति भी अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। अब भेड़िया ने जैन को लेकर वहां से लौटना था, जैन घायल जो थी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य रोमांचक कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।